रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नॉक करके नहीं आ सकते थे? मुझे क्या पता अंदर कौन कौन है। वोहो, इंटेंस मैन, ये कैसे हुआ? ये बीच रास्ते में छोड़ के चला गया या तुम्हें इसका बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया? What? मतलब आई मीन इट्स ओके तुमने इसे मारा, बट कम से कम कपड़े तो पहना देते। What's wrong with you? मैंने इसे नहीं मारा, मुझे पता भी नहीं है कौन है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, एक रात साथ में बैठ के पीना चाहिए। थोड़ा कम पिएंगे ना तो अगले दिन सब कुछ। शट अप। वैसे आई एम वेरी ऑनर्ड तुमने ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले मुझे फोन किया। ओके सॉरी सर, क्या प्लान है? लाश को ठिकाने लगाना है या फिर डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के ट्रेसेस मिटाने? एक्चुअली आई हैव द बेस्ट आइडिया, हम इस घर को आग लगा देते हैं, लाश भी ठिकाने लग जाएगी एंड नो मोर एविडेंस। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि obviously तुमने मुझे यहाँ मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो सारी टीम यहाँ पे होती, but as I can see there's no team here। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानती हूँ ये कांड तुम्हारा है। मेरा कांड? हाँ, क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि मैंने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी की थी और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ओके वेट वेट वेट, तुम मेरे खिलाफ इंक्वायरी क्यों कर रही हो? और अगर मुझे तुम्हें फंसाना होता ना तो मैं खुद नहीं आता, किसी और कॉप को भेजता और वो भी तुम्हारे होश आने से पहले। तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ फंस गया। तुम सच बोल रहे हो? नहीं, झूठ बोल रहा हूँ। तुम अपने डेड मैन को संभालो, मुझे बहुत काम है। वेट, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। I don't know, I was drugged and I don't remember anything. ज़्यादा जोर डालोगी तो कुछ भी याद नहीं आएगा। Let me help. अपना फोन दो। तुमने लास्ट कॉल सुहासनी को किया था, तुम्हें याद है तुमने ये फोन कब क्यों और कहां से किया था? बैंक से। हाँ, बैंक से किया था। आज सुबह मैं बैंक में कुछ पैसे ट्रांसफर करवाने गई थी, ठीक ठाक चहल पहल थी। एक आंटी अपने अकाउंट से 10 रुपए कम हो जाने की वजह से बैंक मैनेजर से आर्ग्यू कर रही थी। देखिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी पासबुक अपडेट करवाइए, स्टेटमेंट निकलवाई, आपके 10 रुपए कहाँ कटे हैं पता चल जाए, नहीं तो मैं आपका चेक क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अरे आप आइए मेरे साथ, मैं आपके पास दूंगा। आइए। हेलो, हाँ सर बोलो। वो फाइल्स और रिकॉर्ड्स मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। मुझे सुधीर कोहली के पुराने रिकॉर्ड्स चाहिए और वो भी डिटेल्स में, उसने कौन से केस पे कब काम किया था, एवरीथिंग। समझे? थैंक्स। क्या हो गया तुझे समीशा? क्या हो गया? उसने तुझे देख लिया, वो तुझे मार डालेगी। शिट, क्या कर दिया तुमने? बहुत बड़ी गलती कर दी। डरो मत, आई एम अ कॉप, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम पुलिस वाली हो? हाँ, वो रख दो, मेरे पास गन है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बताओ तुम किससे छुप रही थी, कौन है तुम्हारे पीछे? मैं नहीं जानती, वो मेरे पीछे है,
उसने मुझे मारने की कोशिश की। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ? हाँ, अरे मेरी जान खतरे में थी, तुमने कितने फोन किए? कहाँ थी तुम? ओके ओके, मैं और से भी बात करूँ, चलती हूँ। तुमने तो कहा कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। ओह, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो ही मुझे डरा रहा था, मुझे लगा कोई सीरियल किलर है। ओके बाय। हेलो सुहासिनी। गुड, नाउ थिंक, क्यों तुमने इस नंबर की डिटेल्स निकालने के लिए उसे क्यों कहा? आई डोंट नो, मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उस लड़की ने जो कहानी सुनाई थी ना, उसमें कोई झोल था, पर क्या था मुझे नहीं पता, पर था। तुमने पुलिस को कॉल किया था? मैं पागल हूँ क्या? क्या कर, अगर पांडे ने मुझे यहाँ लाश के साथ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक ही तरीका है, शॉट उतारो। यार तुम मेरे शॉट के पीछे क्यों पड़े रहते हो? इस बार तुम्हारी टर्न है। शॉट उतारो या फायर। ओ, दरवाजा खोलो। अरे पांडे जी, आप जयराम जी की? जयराम जी की कोली साहब, आप यहाँ इस अवस्था में क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? रिसर्च कर रहा हूँ। किस तरह का रिसर्च? हाय पांडे। ओ, मैडम भी यहाँ है, जयराम जी की मैडम, आप दोनों यहाँ? वो क्या है ना, आजकल केसेस नहीं है तो हमने सोचा कि हम रिसर्च कर लेते हैं, बट आप यहाँ क्यों? हमको कोई ससुर का नाती फोन किया कि यहाँ नेबरहुड में से बहुत नॉइज आवाज आ रहा है, इसलिए चेक करने चले आए। देखा, मैंने कहा था ना वॉल्यूम कम रखो, पर तुम सुनती नहीं हो। कंट्रोल मैडम की इमोशन पे कंट्रोल नहीं होते। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो घर है वो तो किसी और का है। अर्जुन मेरा दोस्त, चाबियां मेरे पास है। कोहली, कम बैक। बाय पांडे। वो क्या ना पांडे जी, हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, तो शुभरात्रि। शुभरात्रि, जा रहे हम, आप लोग जारी रखिए अपना रिसर्च। गेट दैट? ऑफ कोर्स। गुड नाइट, याद रखो, हैव फन। गुड नाइट। तो सुहासिनी को जो तुमने नंबर दिया था वो किसका? हाँ, एक नाम नोट करो, अर्जुन छेत्री। जितने भी अर्जुन छेत्री है बिटवीन 25 एंड 30 इयर्स, मुझे उनके लोकेशन एंड डिटेल्स चाहिए। मैम, इस रीजन में चार अर्जुन छेत्री है बिटवीन द एज ऑफ 25 एंड 35। मैं ये चारों अर्जुन छेत्री की डिटेल्स भेज रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। Yes? Hi, Arjun, right? Yeah. क्या मैं शमिता से मिल सकती हूँ? I mean, वो है यहाँ, उसने कहा था कि वो यहाँ मिलेगी। शमिता तो गई। Can I just come in? I don't know why, मुझे ऐसी चक्कर सी आ रही है। It's just... I'm sorry, मैं जल्दी में हूँ। Can I just at least have some water? बहुत, you know, बहुत गर्मी हो रही है, just... Okay, come. थैंक यू। शमिता ने क्यों बुलाया था तुम्हें? पता नहीं क्यों उसने कहा था कि वो यहाँ मिलेगी, तो मैं चली आ गई। Are you okay? बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ रही है, जैस्मिन, राइट? पर शमिता ने तो आज जैस्मिन नहीं लगाया था। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी ना, आई मीन वाप उतार दो, अच्छा लगेगा। क्या मिलाया तुमने इसमें? रिलैक्स, मैं हेल्प करूं तुम्हारी, मैंने कपड़े उतारने में। डोंट मूव। रिलैक्स है? डोंट मूव, आई स्वेर टू गॉड आई विल शूट यू। जस्ट रिलैक्स। डोंट। तुमने उस पर गन टांगी, हो सकता है बेहोश होते हो तो तुमने उसे शूट कर दिया।
नहीं, मैं वहाँ चेयर पर थी और जब मुझे होश आया हम दोनों बेड पे थे। मैं बेहोशी में लाश को ऐसे बेड पे तो नहीं ले आ सकती ना। आई एम श्योर वहाँ कोई और भी था जब स्मार्ट मूव में माय फुट कुछ और नहीं कर सकती थी। कर तो मैं बहुत कुछ, लेकिन टाइम दो। स्मार्ट मूव, टाइम कब था? तो मैं कह रही थी, चलो पांडे क्या है ना, बट वो एक बार फिर ट्राई करना तो बनता है। हेलो, सुहासिनी, प्रभात सोसाइटी बंगलो नंबर 17 में मर्डर हुआ है, टीम को इन्फॉर्म कर देना। अगर पांडे को पता चल गया यहाँ मर्डर हुआ है, वो हमें जरूर लपेटेगा। एक रास्ता है। तो मतलब ये है कि तुम्हारे सर्विस वेपन से किसी का मर्डर होता है जिसपे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, डीएनए एविडेंस भी मैच होगा, एक पुलिस वाले को धोखा भी दिया और अपने साथी पुलिस वाले को इन्वॉल्व भी कर दो अननेसेसरली। साक्षी दे रहा मैसेज थी और तुम्हारी सफाई सिर्फ ये है कि तुमने मर्डर नहीं किया। आई शुड बिलीव यू। थैंक यू, बहुत प्यारी है। मेरी पोती श्रेया हमेशा बीमारी रहती है, पर ये बहू है ना मेरी देवकी, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है। बहुत लकी कि उसके पास अपनी बेटी है उसकी देखभाल करने के लिए। इस पूरे सिनारे में एक बात पसंद आई, तुमने पांडे को बेवकूफ बनाया। क्या? लेकिन पांडे को जब मर्डर का पता चलेगा तो हमें फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। वो पहले ही मुझसे और कोहली से खुन्नस खाता है और उसे अपनी खुन्नस निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। Speak of the devil and Pandey is here. 100 साल जिएंगे आप पांडे जी। हमारी लंबी उम्र का मनोकामना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप दोनों थाने चलिए, वहां आपसे पूछताछ होगी। पांडे चीफ, आप जानते नहीं है ये दोनों डेड बॉडी के पास में रंगरलियां मना रहे थे। मैं जानता हूं, ये केस मैंने इन्हें सौंपा और ये भी कहा था कि किसे बताएं, कॉन्फिडेंशियल रखे। इसीलिए चीफ देखिए, आप गलत पार्टी का फेवर ले रहे हैं। ये दोनों वहां से हमको चूना लगा के यहां पे आए हैं। एक्सक्यूज। हेलो, हाँ, अच्छा, अरे ठीक है, सारी बातें अभी बताओगे, आ रहे हैं वहां पे, रखो। क्या बात है कोहली साहब, घर के पिछवाड़े में भी गुटर गु कर रहे थे क्या? वहां पे भी एक लाश मिली है। किसकी लाश? जब ये बैंक में मिली थी उसके पास एक लैपटॉप था, क्या वो मिला? नहीं बॉस। अरे बॉस, ये तो आप ही का कार्ड है। बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। अभी तो सिर्फ कार्ड मिला है, ये लड़की की खोपड़िया में जो गोली है ना वो भी मैडम की ही होगी। बहुत ही छुपी रुस्तम सीक्रेट सर्विस है मैडम। अगर ये तुम्हारे हाथ में होता तो तुम मुझे अभी किलर प्रूफ करके एनकाउंटर कर दो ताकि स्पेशल क्राइम ब्रांच का ऑफिसर तुम्हें बना दिया जाए, राइट? तुम्हें हम इतने गिरे हुए लगते हैं। तुम्हारा जो सबसे बड़ा केस था ना बेबी किलर वाला, उसकी भी सबसे बड़ी टिप हम ही दिए थे, लेकिन हमको उसका क्रेडिट मिला नहीं मिला। ये बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है जिसमें शमिता लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ये लेफ्ट के ट्रैफिक कैम की फुटेज है जिसमें ये राइट टू लेफ्ट जा रही है, और इस फुटेज में भी इसके पीछे कोई नहीं है। उसके पास यहाँ एक लैपटॉप है, लेकिन
ना तो डेड बॉडी के पास था ना अर्जुन के घर पर। इसका मतलब है किलर लैपटॉप अपने साथ ले गया। लैपटॉप से याद है, इसकी आगे वाली गली में एक कैफ है जहाँ फ्री और हाई स्पीड वाईफाई मिलता है। लैपटॉप वाले यूजली वहीं पाए जाते हैं। नाम क्या है इस कैफे का? वो कॉप जिसने साक्षी को रमाकांत जाके दे दी थी, वो पांडे। लेकिन हम सब कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। ओह शिट, सारी मेहनत बेकार। बॉस आप कुछ कह रहे थे? यार मैंने यहाँ पे पूरे शोले की स्टोरी सुना दी, तो पूछ रहे मोगैम्बो कौन है? आप अगर शोले में मोगैम्बो को घुसाओगे तो कंफ्यूजन होगा ना। वैसे आप शोले की स्टोरी सुना के रहे थे, वैसे तू कर क्या रहा है? क्या काम कर रहा है? अरे अरे तू ये गेम खेल रहा है? तूने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया? ऑब्वियसली बॉस, वरना यहाँ की कॉफ़ी तो बर्बाद है। यहाँ का फेमस है हाई स्पीड और फ्री वाई फाई। यहाँ जो भी मिलेगा ना सब लैपटॉप के साथ मिलेगा, देख लो लैपटॉप। जब ये बैंक में मिली थी उसके पास एक लैपटॉप था, क्या वो मिला? नहीं बॉस। सुनिए, नेशनल बैंक आसपास है? पीछे एक गली छोड़ के। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम आपके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखना चाहते हैं। सॉरी सर, इट्स अ पॉलिसी, हम कस्टमर्स को फुटेज नहीं दिखा सकते। डोंट वरी, मैं आपका कस्टमर नहीं, आप मुझे दिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स, आपको तो मैं कुछ भी दिखा सकती हूँ। लैपटॉप इस लड़की ने गिराया और सारा बवाल इस लैपटॉप की वजह से। अब मैं साक्षी को दिखाऊंगा केस कैसे क्रैक किया जाता है। केस फ्लूक से नहीं, प्रॉपर डिटेक्टिव वर्क से क्रैक किया जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रॉपर डिटेक्टिव वर्क। साक्षी रंजन, स्पेशल क्राइम ब्रांच। मैं सी द सेकंड कैमरा शॉ। अरे ये तो एक लड़की है। नहीं मेरा मतलब लड़की एक किलर है। देखिए यहाँ किलर ही होते। इस आईपी एड्रेस पे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस, जैसे लैपटॉप मोबाइल फ़ोन वगैरह कनेक्टेड हैं, उनकी अगर लिस्ट मिल जाए तो हम पता कर सकते हैं। क्या आप हमें उस लैपटॉप का डिवाइस आईडी दे सकते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं आता। मुझे आता। राउटर को एक्सेस करेंगे, स्टैटिक डायनामिक क्लाइंट लिस्ट, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस और कनेक्टेड डिवाइसेस की लिस्ट मिल जाएगी। सो आई कैन डू इट। यू कैन डू इट। I can do it. Take it. Oh no. Sorry sir. हम किसी outsider का हमारे system में interfere करने नहीं दे सकते हैं. Rule है. But this is a murder investigation. I'm very sorry ma'am. आपको order लाना पड़ेगा. Written में. Ah, sorry. It's Tina. मुझे actually आपका storage room check करना है. CCTV footage में laptop disconnect हुआ है 9:48. और 9:48 पे सिर्फ एक ही डिवाइस डिस्कनेक्ट हुआ है, वो ये। काम हो गया है, वी आर लीविंग। अरे हमारा काम बाकी है, रुक जाओ। मिस्टर कोहली, आई होप जो आप ढूंढ रहे थे आपको मिल गया होगा। या थैंक्स। बाय। सी। What? I was working on the case. हमारा seriously कोई standard नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। I was working on the case, man. जैसे ही device online आएगी हमें location भी पता चल जाएगी। Yes, ma'am. It's online now.
क्या चाहिए तुम्हें? डेफिनेटली पैसे तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहिए होते तो तुम एंटर दबा चुके होते। डिटेल्स अर्जुन और शमिता के मर्डर की डिटेल्स। वेल, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं एक हैकर हूँ। वो लोग जो इजी मनी ट्रांसफर आप यूज़ करते हैं, अपने अकाउंट डिटेल्स शेयर करते हैं, मैं उनके अकाउंट को हैक कर कर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हूँ। ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 रुपये पर अकाउंट। ऐसे कैसे 10 रुपये कम हो गए मेरे अकाउंट से? मैंने तो एक पैसा भी नहीं निकाला। 10 रुपये पर अकाउंट 1 करोड़ अकाउंट से, दैट मींस 10 करोड़ रुपये। एग्जैक्टली। और वो सॉफ्टवेयर जो इस हैकिंग में इस्तेमाल होता है, जो मेरे इस लैपटॉप में था, उस लड़की ने चुरा लिया। वो मुझे मिली और लैपटॉप उसके पास नहीं था। पहले मुझे लगा वो मेरे सॉफ्टवेयर के पीछे थे, लेकिन बाद में पता चला वो तो मामूली चोर थे। वो लड़की मोबाइल और लैपटॉप चुराया करती थी और वो लड़का उसे मॉडिफाई करके बेचता था। मैं लैपटॉप ढूंढ ही रही थी कि वो पुलिस वाली वहां पर पहुंच गई। लैपटॉप किधर है? मैम मैंने आपको बताया आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मैम कुछ नहीं है वहां, क्या कर रहे हो आप? Yes. Arjun, right? Yeah. Can I just at least have some water? बहुत, you know, बहुत गर्मी हो रही है. Just, please. पुलिस के पंगे से बचने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि उस पुलिस वाली को उस मर्डर केस में फंसा दूं। इसलिए मैंने उसकी गन से अर्जुन को शूट कर दिया। वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों की मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश करते हैं। तुम सोचो अगर मैं उस पुलिस वाली को, एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाली को निपटा सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो? ड्रॉप योर गन, वरना मैं तुम्हें यहां निपटा दूंगी। I hope अब तुम्हें यकीन हो गया कि ये कांड मेरा नहीं था। हाँ, थोड़ा थोड़ा। तुम सच में मेरी इंक्वायरी करवा रही हो? बस मैंने कोहली के सारे रिकॉर्ड चेक किया, एकदम क्लीन। उसका दिल्ली में एक पार्टनर था, उसने पूरी डिटेल्स भेजी। I'm just checking it. हेलो पांडे। साक्षी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हम जानते हैं तुम हमको बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, लेकिन सच कहें हम तुमको बहुत लाइक करते हैं। I big fan of you. पांडे मैं सब काम कर रही हूँ। हम भी काम के लिए फोन किए हैं, बहुत जरूरी काम है। जो सुधीर कोहली है ना, सुधीर कोहली, उसके बारे में कुछ बताना है। ये सब बात फोन पे नहीं हो सकता, उसके लिए तुमको हमको मीटिंग करना पड़ेगा। तुम प्लीज हमारे घर पे आ जाओ जल्दी। बस इनमें से तो कोहली कोई भी नहीं है, इसका मतलब